उन्होंने कहा हमारे साथ चलो, हम आपको कश्मीर में काम लगा देते हैं। जब मुझे उन्होंने गाड़ी पर बुलाया तो मुझे ना नशे वाला सिगरेट पिलाया गया था। उन दोनों ने मुझे कश्मीर छोड़ा था। पहले मुझे कहते थे भी आपको 2000 दिहाड़ी देंगे, तो उसके बाद मैंने नसने की भी कोशिश बहुत की थी, लेकिन पकड़ा जाता था और मारते भी थे। कश्मीर जहाँ पे इनके ठिकाने थे और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में। सर मुझे, मैंने मीनार पाकिस्तान आया था लाहौर में काम करने के लिए, लेकिन मुझे लाहौर में काम एक दो जगह पर कॉल किए थे रबते, लेकिन उन्होंने कहा एक दो दिन शायद फिर आपको काम पर लगा देंगे। लेकिन मैंने इंतजार नहीं किया, मीनार पाकिस्तान आया तो दो आदमी मुझे मिले थे, उन्होंने कहा हमारे साथ चलो, हम आपको कश्मीर में काम लगा देते हैं। जब मुझे उन्होंने गाड़ी पर बुलाया तो मुझे ना नशे वाला सिगरेट पिलाया गया था, जिसमें ना नशा बुलाया हुआ था, मुझे नींद आ गाड़ी में। मुझे सुबह पता चला कि मैं आज़ाद कश्मीर में पहुँच गया, तो ठेकेदार नासर ने मुझे वहाँ से लिया और एक हफ्ते के मुझे ना कमरे में बंद कर दिया, खाना भी बहुत कम दिया और साथ में सारा पैनी वाले जो होते ना पैप उनसे मारता था रोज़। इसलिए मुझे एक महीना वहाँ पर काम किया, अभी तक मुझे कोई पैसा नहीं मिला, वो अभी उनसे लेने हैं, अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं तो आज शाम को घर चला जाऊँगा। मेरा नाम मुदस्सर अली, मैं बसीरपुर का हूँ। मुझे, मैं उधर हिफ्ज़ करता था, फिर आने दिन मदरसा में गिलानी चौक मदरसा है, उधर से मैं दाता साहब सलाम करने आया था, अपने दोस्त को बताया था मैंने कुर्बान उसका नाम था, उसके साथ मैं इधर मदरसा में आया था, वो न जाने किधर चला गया दाता साहब आके, फिर मुझे अली लम्मा और कानपाटा मिले थे, वो जो दो मुजरिम हैं, उन दोनों ने मुझे कश्मीर छोड़ा था। पहले मुझे कहते थे भी आपको 2000 दिहाड़ी देंगे, आप 2 दिहाड़ी मेरे साथ लगाएं फिर अपने गांव चले जाना। मैंने मान लिया, मैं उनके साथ गया, तो एक भी दिहाड़ी ना ला सका। जब मैं सुबह उठा था ना कश्मीर, वो मुझे पहुंचा दिया था। मैंने पूछा इधर मैं क्यों आया, वो कहते इधर दिहाड़े आप लगाएंगे। मैंने कहा चलो 2 दिहाड़े लगानी है ओके। वो एक ना दो ना तीन, वो साल ही उधर मैं रहा था, 2000 दिहाड़ी का नाम लिया था, तो 900 कहते दिहाड़ी है आपकी। तो उसके बाद मैंने नसने की भी कोशिश बहुत की थी, लेकिन पकड़ा जाता था और मारते भी थे। तो ठेकेदार नासर को इधर उन्होंने अभी पंजाब की पुलिस लेकर आई है। सर जी, मैं बसीरपुर था, तो मेरे बेटे 10 महीने और किले में बचे हुए थे, तेहर में जट आ गए साले ऐसे ऐसे बसीरपुर थाने दे जी, उन्होंने दरखास्त दी सी, तो 10 महीने बाद भाई वरा का फोन आया जी, ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਮੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕੋਂ ਮੇ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕੀ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਨਸੇ ਕਾਮ ਕਰਵਾਨੇ ਕੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਤਲਾਤ ਥੀ, ਜਿਸ ਪੇ ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ, ਸੀ ਐਸ ਪੀ ਓ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਪੇ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਕਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਔਰ मुख्तलिफ इलाकों से हमने तफ्तीश का आगाज़ किया, तो हमें पता चला कि कुछ बच्चों को एक मुनज़्ज़म ग्रोह जो है वो लेके कश्मीर और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ले जाके उनसे ज़बरदस्ती काम भी करवाया जाता है और उनसे जिंसी फेर भी किया जाता है। इस पर हम काम करते रहे और इस दौरान हमें एक उनमें से मुल्ज़िमों का साथी हमने ट्रेस किया, जिसने हमें अगली इंफॉर्मेशन दी और हम लोग वहाँ पहुँचे और कश्मीर जहाँ पे इनके ठिकाने थे और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ इन्हें ज़बरदस्ती उन्होंने बच्चों को रखा हुआ था, वहाँ से हमने इनको ट्रैक किया और इनको वहाँ से बरामद किया और जो मुल्ज़िमान थे उनको गिरफ़्तार किया। इंशाल्लाह इनको कानूनी कार्रवाई करके जुडिशल भिजवाया जाएगा और इनके साथी जो बाकी हैं उनको भी गिरफ़्तार करके इस गैंग का खात्मा किया जाएगा।